दोस्तों अगर घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो ये गलतियां मत करना ये गलतियां काफी महंगी पड़ सकती हैं क्योंकि आप घर पे अपनी पूरी जिंदगी की इन्वेस्टमेंट करते हो कोई भी घर बनता है तो मिनिमम से मिनिमम पाँच से दस लाख लगता ही लगता है अगर पांच से दस लाख रुपया कंस्ट्रक्शन में लगवा रहे हो और ऐसी गलती करोगे आप तो काफी ज्यादा महंगी वो पड़ती हैं आपका घर भी गिर सकता है डे बाई डे उसको मेंटेनेंस चाहिए होगी और उस घर में रहने का कोई फ़ायदा भी नहीं है तो आज हम ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ तो ये गलतियाँ आप कभी आपको कभी भी आप ग्रेकिंग इंस्ट्रक्शन करवाओ ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी रखनी है मैं गलतियां बताऊंगा उनका इलाज भी बताऊँगा और ये काफ़ी बड़ी गलतियाँ छोटी मोटी गलतियाँ हम इन्हें नहीं बोल सकते तो सबसे पहली गलती जो की गई है वो सामने आप देख रहे हो ये जो कॉलम की स्टील बाइंडिंग हुई है जो कॉलम बांधा गया उसका सरिया बांधा गया तो उसकी जो स्पेसिंग है उसमें रिंग बोलो जिनको स्टीरअप समझा जाता है स्टीरअप समझो तो उसमें जो स्पेसिंग प्रोवाइड की गई है वो कितनी की गई है एक एक फुट 200 सौ एम 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 कोई प्रॉपर स्पेसिंग नहीं ये मोस्टली मैंने देखा है जो ठेकेदार से घर बनाते हैं मैं ये नहीं बोल रहा सब ठेकेदार ऐसे करते कुछ ठेकेदार जो जो पुराने ठेकेदार हैं जो घर की कंस्ट्रक्शन करते आ रहे हैं और जिनको लोगों को ट्रस्ट है उन पर कि नहीं ठेकेदार अच्छा बनाएगा सब ठेकेदार की बात नहीं हो रही लेकिन कुछ क्या करते हैं ये स्पेसिंग जो पैसा बचाने के चक्कर क्योंकि स्टील बाइंडिंग का अलग पैसा होता है तो उसमें वो जल्दी जल्दी काम खत्म करने के चक्कर में क्या करते हैं जो ये सामने आप देख रहे हो इसकी स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा है स्पेसिंग में बोलता हूँ 200 सौ एम मैक्सिमम हो जाती है किसी भी कॉलम में 200 सौ एम तो मैं बस बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ ऐसे जो सब चीज़ें डिजाइन करके ही होती हैं शेयर फोर्स देखी जाती है बैंडिंग मूवमेंट देखा जाता है सब चीजें लेके ही ये स्टीरप मैंने वीडियो बनाई हुई है कि क्यों हम स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं वो देख सकते हो तो सब चीज़ें ध्यान में रख के ही प्रोवाइड की जाती हैं डाली जाती हैं तो आपको मैं अगर खुद ऐसे रफली आप थम रूल के हिसाब से चलना चाहते हो तो आप ऐसा करो मतलब डेढ़ सौ एम एम डेढ़ सौ एम एम से ज्यादा आप स्पेसिंग मत दो और जहां लैप आता है जहां सरिये दो सरिये जुड़ते हैं आपका एक सरिया खत्म हो जाता है लैप आता है वहां फिफ्टी डी के हिसाब से लैप करो फिफ्टी डी क्या हो गया फिफ्टी इंटू जो भी डाय दस डायागा तो 500 सौ एम एम का लैप बारह एम बारह का डाया है तो छः सौ एम एम लैप सोलह का तो आठ सौ पचास एम एम बीस का है तो हज़ार पच्चीस का है तो बारह सौ पचास एम एम लैप आपको करना ही करना लैप वो जहाँ लैप दोगे वहाँ स्पेसिंग जो रखोगे आप सौ एम एम रखना या एक सौ पच्चीस एम एम रखना ठीक है क्लियर <laughs> दूसरी चीज यहाँ गलती क्या की है इसी कॉलम में इस कॉलम में जो स्टीरअप की जो रिंग वो है हुक जो हुक प्रोवाइड की गई है एक तो उसकी प्रॉपर बेंडिंग नहीं की है क्योंकि हुक क्या होनी चाहिए पूरी अंदर आपकी बंद होनी चाहिए ऐसा लगना चाहिए कि सरिये को उंगल, दो उंगलियों ने पकड़ के रखा है वैसे होना चाहिए क्योंकि जब लोड आएगा जब जहाँ की मूवमेंट्स होंगी तो जो मेन काम है हुक का शरीर को पकड़ के रखना वो वर्क ही नहीं करेगा और आपको जो उसका प्रोवाइड करना है हुक मिनिमम टेन डी आप रखो जितने का भी डाया होगा आठ एम एम का तो अस्सी एम एम की आपकी हुक होनी चाहिए दस एम एम का तो आपकी सौ एमए हुक होनी चाहिए ये चीज़ गलती की गई है नेक्स्ट गलती क्या की गई है जो सरिया है वर्टिकल सरिया किया है वो एक ही साइज़ का कट कर दिया मतलब वो सीधा जा रहा है एक ही साइज़ पे कट कर दोगे तो फ्यूचर में जब उस पर लैप करना पड़ेगा किसी हिसाब से यहाँ तो कपलर यूज करने नहीं वाले हो आप करोगे आप लैपिंग ही लैपिंग तो लैपिंग एक जगह लैपिंग दोगे तो फेलियर तो आएगा ही आएगा वहां से कॉलम टूटेगा ही टूटेगा तो ये गलती आपको करनी ही करनी नहीं है ये बड़ी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है अगली गलती जो की गई है सामने आप देख रहे हो जो ये प्लिंथ बीम की कंस्ट्रक्शन हुई है और प्लिंथ बीम मेन बिल्डिंग का पार्ट होता है अगर मैं आगे यही अगर ये गलती करोगे तो उसका फल आपको आगे मिलेगा वो अगली गलती में बताने वाला हूँ आपको तो ये जो प्लिंथ बीम किया गया है इसमें जो सरिया आप सामने देख रहे हो उसमें क्या है सरिया बाहर दिख रहा है कॉन्क्रीट के ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है किसी भी अच्छी कंपनी के साथ कभी कंस्ट्रक्शन की हो या आपने देखी हो जो उसका क्लाइंट होता है अगर थोड़ा भी सरिया या हनी कॉम दिखे वो पूरा स्ट्रक्चर तुड़वा देते हैं क्यों तुड़वा देते हैं क्यों इतना खर्चा करवाते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ी चीज़ होती है अगर आपके कॉन्क्रीट को प्रॉपर से वाइब्रेटर नहीं चलाया प्रॉपर से मिक्स डिजाइन का जो कंक्रीट आना चाहिए वो नहीं किया या कंक्रीट को दूर से फेंका मतलब पंद्रह सौ एमएम से दूर से फेंका तो ये चीजें आती ही आती हैं आपको ऐसा दिखेगा देखो मेन पार्ट होता है प्लिंथ बीम अगर प्लिंथ बीम क्योंकि पूरा लोड क्या है डिस्ट्रीब्यूट फुटिंग पे वही कर रहा है अगर उसमें कुछ लोचा हुआ तो आपके नीचे अगर बाई चांस मिट्टी बैठी सेटलमेंट हुई या लोड बढ़ा तो आपके घर में क्रैक सबसे ज्यादा तभी दिखेंगे आपने अगर प्लिंथ बीम प्रोटेक्ट प्लिंथ बीम अच्छे से नहीं किया तो आपको ना तो हनी या गंजा बोलते हैं हनी क्या होगा सामने आप देख रहे हो खराब सी जगह दिख रही होगी प्लिंथ बीम में जहाँ सर यह सामने दिख रहा होता है और ऐसे ही होता है क्या जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं मैं फिर कॉन्ट्रैक्टर ये हमेशा वीडियोस में बोलता हूँ कॉन्ट्रैक्टर बाज़ यूज करता हूँ लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्टर भी ये नहीं कुछ भी नहीं लेकिन सुपरविजन रखो आप कुछ कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं पैसे बचाने के चक्कर में जैसे प्लिंथ बीम हो गया शटरिंग खुली दूसरे दिन मिट्टी डाल दी मतलब वो लेवल कर दिया प्लिंथ बीम के लेवल तक आपको तो देखेगा नहीं कि नीचे हुआ क्या तो होगा क्या जो वहाँ फिनिशिंग नहीं की होगी वहाँ से माल नहीं मारा हुआ है तो वो जो सरिया होगा उसको पानी लगेगा धीरे धीरे वो डिट्राइड होगा वो ख़त्म हो जाएगा सरिया उधर तो रहेगा ही नहीं और जब लोड ज़्यादा हो जाएगा वो वहाँ से क्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा और क्रैक बढ़ता बढ़ता दीवारों में आपको दिखने लग पड़ेगा तो ये ध्यान देना है जब भी हनी कॉम वगैरह आए उसको प्रॉपर से फिनिशिंग करो एक बाई एक रेशो का माल बनाओ कंक्रीट का एक मतलब अगर एक किलो सीमेंट ले रहे हो एक किलो सेंड लो उसका प्रॉपर माल बना के उसको मार दो नहीं तो वो स्ट्रक्चर तोड़ के दूसरा बना दो अगली चीज़ जो गलती है ये सामने आप देख रहे हो ये भी काफ़ी बड़ी गलती है क्या किया गया है जो कंक्रीट हुआ स्लैब का मेरे एक कोई मित्र थे जिन्होंने व्हाट्सएप पे मेरे को भेजा क्या किया गया कंक्रीट हुआ है उनकी स्लैब का लेकिन उस कंक्रीटिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं तो इस वजह से ये हुआ है देखो वो अभी दूसरे दिन आके क्यूरिंग कर रहे हैं पानी डाल रहे हैं और पानी क्या हो रहा है जो कंक्रीट है पूरा पानी ऑब्जॉर्व करके नीचे निकाल रहा है वो मतलब ये कॉन्क्रीट ऐसा हो गया आजकल रोड नहीं बन रहे जैसे कि उसमें पानी रोकेगा नहीं आ, मतलब परमिएबल रोड्स जिनको बोलते हैं तो उन्होंने परमिएबल स्लैब बना दी और ये घर पर रहेगा कौन तो ये हुआ क्या है इन्होंने जो कंक्रीट बनाया होगा मेन गपला वही हुआ है कंक्रीट में, में एग्रीगेट ज़्यादा होगा सीमेंट कम होगा सैंड कम होगा मतलब मिक्स रेशो जो रहती है प्रॉपर मिक्स रेशो नहीं बनाई होगी एम ट्वेंटी का माल नहीं बना होगा एम ट्वेंटी एम ट्वेंटी फाइव का बोला होगा बना एम या टेन या पंद्रह का ही होगा या प्रॉपर साइज़ के एग्रीगेट यूज़ नहीं किए होंगे जहाँ जब कॉन्क्रीटिंग हो रही थी तो जो वाइब्रेटर यूज़ होता है वो वाइब्रेटर नहीं किया मेन काज हो सकता है क्योंकि साइड पर मैं देख रहा हूँ यहाँ तक कि कॉलम है यहाँ पर और सरिया इर्द गिर्द और जिस हिसाब से कंक्रीट की फिनिशिंग हुई है तो मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉपर सुपरविजन ही हुई होगी प्रॉपर कॉन्क्रीटिंग यहाँ की गई है तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है ऐसी कभी नहीं करनी अगर बाई चांस आपके घर में ऐसी मिस्टेक हो जाती है तो दूसरे दिन क्रीड का माल शॉर्ट क्रीड में वो बोलूँगा स्क्रीड स्क्रीड का जो होता है दस एम एम की या छः एम एम की कब्जी आती है एग्रीगेट आता है उसका माल बना के पूरा एक आपको चालीस एम एम की पूरी छत पे लेयर डाल दो सही रहेगा नहीं तो क्या करो चाइना मोजैक जो होती है तो चाइना मोजैक कर लो बाकी तो मेन तो मैं यही कहूँगा प्रॉपर सुपरविजन रखो कुछ नहीं होगा अगली जो गलती की गई है वो ये है कि किया क्या गया जैसे मैंने स्टार्टिंग में प्लिंथ बीम आपको दिखा गया प्रॉपर प्लिंथ बीम नहीं दोगे तो आपके घर में भी ऐसे ही क्रैक देखने को मिलेंगे प्रॉपर अगर प्लिंथ बीम की जितनी थिकनेस आनी चाहिए मतलब वो अगर 400 सौ mm एम का या तीन सौ पचास का जिस हिसाब से सॉइल होगी उसी हिसाब से प्लिंथ बीम की जरूरत वहाँ पड़ने वाली है अगर आपने प्रॉपर डेप्थ में फुटिंग नहीं दी है तो आपके घर में भी ऐसे क्रैक्स देखने को मिलेंगे और ये जो क्रैक्स दिख रहे हैं ये मोस्टली ऐसे बड़े बड़े क्रैक्स जो देखो जो क्रैक्स ख़राब कौन से होते हैं इस पर वीडियो है मेरी जो क्रैक्स अगर मैं कहूँ दो तीन एम एम से ज्यादा बड़े क्रैक्स होते हैं वो रिस्की हो सकते हैं आपके घर के लिए तो ये तो दस बीस एम एम के क्रैक्स दिख रहे हैं ये काफी ज्यादा रिस्की होते हैं ये हुए हैं सेटलमेंट से और ये क्रैक नहीं आ सकते सेटलमेंट से ये क्रैक्स मोस्टली देखे जाते हैं और सेटलमेंट को हम अच्छे से रोक कैसे सकते हैं उनको रोक सकते हैं नीचे आपको फुटिंग दी प्रॉपर डेप्थ तक आप फुटिंग दो उसको ठीक है और काली मिट्टी जहाँ हो वहां कभी घर नहीं बनाओ प्रॉपर डेप्थ तक फुटिंग दो और ऊपर आके प्लिंथ बीम दो उसके ऊपर आके लिंटल बीम दो उसके ऊपर आके स्लैब बीम दो तीन टाइप के बीम अगर आप अपने घर में देते हो तो आपके वहाँ क्रैक्स चांसेस 80 से 90 परसेंट कम हो जाते हैं क्रैक्स आने के तो ये चीज होती है ये गलतियाँ की जाती हैं ये क्यों होती हैं क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं होता तो कंस्ट्रक्शन के दौरान ये चीज़ें जरूर ध्यान रखनी ही रखनी है अभी तीन चार चीजें और मैं आपको बता देता हूँ जो ये सामने आप देख रहे हो कंक्रीट कभी भी आपको दूर से नहीं फेंक वो अलग अलग हो जाता है डे पंद्रह सौ से ज़्यादा से कॉन्क्रीट अगर नीचे फेंका वो खराब चीज़ है कभी आपको ये चीज़ नहीं करनी है दूसरी जो ये आप देख रहे हो ये पूरा जो कॉन्क्रीट है इसमें क्रैक्स आ गए हैं ये क्रेजिंग क्रैक आ गए हैं ये किस वजह से आए हैं ये हुआ है जब आप गर्मी कॉन्क्रीटिंग करते हो जब बहुत ज्यादा गर्मी है चालीस के ऊपर टेम्परेचर है तो आप कंक्रीटिंग करोगे तो पानी एकदम से उब्जॉर्व ऊपर उड़ जाता है वेपोरेट हो जाता है तो उस कारण श्रिंकेज क्रैक्स आते हैं और एक ऐसे क्रैक्स भी आपको देखने को मिलते हैं अगर पानी ज्यादा हो जाता है कॉन्क्रीट में वाटर रेशो ज्यादा हो जाती है तो ये क्रैक्स आपको देखने को आएंगे अगर आपने प्रॉपर कवर प्रोवाइड नहीं किया है स्टीरअप में सरिए में तो आपको ऐसे क्रैक्स देखने को मिलेंगे अगर आपकी शटरिंग सेटलमेंट नीचे शटरिंग बैठ जाती है तो आपको ऐसे क्रैक्स देखने को मिलेंगे तो ऐसी वीडियोज आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी ऐसे नॉलेज वाली कंटिन्यू सीरीज रहेगी कल एक बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है टेस्ट करते हैं जो कंक्रीट का हम वो भी वीडियो जरूर देखना ऐसा ही प्यार देते रहना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सिविल साइट विजिट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगा जो सिविल साइट विजिट चैनल पर मिलता रहेगा थैंक यू गाइस